हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो रिगर ट्रेनिंग के रिलेटेड से है। इसमें सारा कुछ वीडियो के अंदर कवर किया गया है। जो भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आंसर है, कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसको इसके अंदर कवर किया गया है। तो ये वीडियो का पहला फर्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको टॉपिक कवर मिलेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिलेगा, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आधे घंटे का है। अगर आधा घंटा अगर आप इस पे टाइम लगाएंगे तो आप कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर, और वीडियो देखते रहें। टाइपिंग चाहिए, सेफ्टी बेल्ट तो हम लोग बहुत बार बोलिए। देखो, मैं जो बोलूँगा वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ करने में ना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। होगा कि नहीं? पहले हम लोग क्या किया, शॉर्टकट का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जुगाड़ का इस्तेमाल किया। जुगाड़ जो होता है ना रिगर में, सबसे डेंजर चीज़ है ना। उसके वही जुगाड़ को ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया, PPI बनाया गया। PPI मालूम है ना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, जो हम लोग सिविल को PPI करते हैं। PPI मतलब समझे, हर सिलिंग का, लिफ्टिंग टूल टैकल्स का एक क्या होता है, फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट, उसको सर्टिफाइड किया हुआ है, उसको चेक किया गया है, सिलिंग को चेक किया गया है। उसको चेक करने के बाद, उसका हेल्थ चेक करने के बाद, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। जैसा इंसान मेडिकल में गया, पूरा चेकअप करवाया, डॉक्टर्स को पूरा चेक किया, चेक करने के बाद क्या है, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है ना, वैसे ही सीलिंग को दे देता है। हाँ, टैग लग जाता है, उसका कैपेसिटी आ जाता है, हर चीज़ आ जाता है। तो जब हम लोग जुगाड़ करेंगे, वो जुगाड़ का कोई सर्टिफाइड नहीं रहेगा, नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल रहेगा, है ना। अभी बहुत लोग है, सलिया जो होता है, जो सिविल में जो लगता है, उसका हुक बना देता है, रस्सी में लगा देता है, कोई कुछ कर देता है, बहुत सारा माइंड यूज करता है। वेल्डर प्लेट काट के टूल्स अपना बना लेता है जुगाड़ से। तो होता क्या है, जब हम लोग कोई भी अपने हाथ से बनाते हैं, उसका कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है। कंपनी क्या करेगा, वो हादसा होगा आपके साथ, कंपनी जांच करेगा, जांच करने के बाद में क्या बोलेगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल के छोड़ देगा। बोलेगा वो आदमी अपने से बनाया, अपने से किया, हाथ को दिया, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को कभी भी क्या होता है, कंपनी में हम लोग आए, घर में तो नहीं है। घर में क्या होता है, हम लोग अपने मर्जी से काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चैन होता है, वर्कर हो गया, फोरमैन हो गया, इंचार्ज हो गया, सुपरवाइजर हो गया, इंजीनियर मैनेजर होता है ना सब। हाँ, जब आप इनसे बात नहीं करोगे, इनसे हेल्प नहीं लोगे, तो क्या होगा, ये फोकट का सेल्फ लेगा ना। सेफ्टी डिपार्टमेंट किस लिए रखा गया, आपके हेल्प के लिए। आपको जो चीज़ नहीं मालूम है वो क्या करना है, हमको पूछना है, सर मैं ये डेंजर काम करने जा रहा हूँ, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। पूछने में क्या है, शर्म है क्या, नहीं है ना। वो आपको बताएगा, क्योंकि उसका वो चीज़ काम है। हाँ, उसी का उसको सैलरी मिल रहा है, आपको सुरक्षा देने के लिए सैलरी मिल रहा है ना, सही बात है ना। तो हमको कहने का मतलब ये, हम हर चीज़ को यूज़ करें, आपको यहाँ पर हर चीज़ को यूज़ करने के लिए दिया गया है ना। इसके बाद ये सब छोड़ दो, ये तो काफ़ी ज़्यादा आप सुन चुके हो। हमारे पास जब किरण आता है, सबसे अच्छा चीज़ अपने अंदर होना चाहिए, जो चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। कभी भी कोई सीलिंग हम लोग ले रहे स्टोर में से, तो सबसे पहले अच्छा आदत होना चाहिए, उस सीलिंग को प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए, चेक करना चाहिए,
बिना चेक किए उस सीलिंग को नहीं लेना है, ठीक है, यूज भी नहीं करना है जब तक सीलिंग में प्रॉपर आपको जानकारी नहीं मिलेगा, जब तक वो सीलिंग को यूज नहीं करना है, समझ गए सीलिंग को यूज नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, मटेरियल के हिसाब से आपको सीलिंग लेना है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं यही चीज़ आपसे पूछा था, आप लोग ने क्या बोला, मेरे को हार्नेस चाहिए, बेल्ट चाहिए, वो चाहिए, नहीं, हमको क्या काम करना है, रिगर का क्या काम है, उसमें हमको फोकस करना है ना। तो लोड के हिसाब से सीलिंग होना चाहिए, ठीक है, लोड के हिसाब से कैसे होना चाहिए सीलिंग, अपने पास सीलिंग कैसे होना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा कि लोड के हिसाब से सीलिंग हमारे पास है, हाफ इंच हाफ इंच सीलिंग है, हाँ हाफ इंची का कितना कैपेसिटी है, कितना है, 2 से 3 टन, 2 टन वो अंदाज में है, वो अंदाज में है, ठीक है। देखो जो भी कैपेसिटी है, अभी मैं इसमें आपको क्लियर कर रहा हूँ, सीलिंग को हम लोग कितने टाइप से पहचान सकते हैं, कौन सा सीलिंग कितना कैपेसिटी का, कैसे कैसे पहचान, सीलिंग आप लोग यूज किया होगा तो सीलिंग को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इतने टन का सीलिंग, उसमें क्या होता है सर, कैसे सीलिंग का उसमें सर तो मालूम आता है ना, उसको लिखा रहता है, हाँ लिखा हुआ होता है, कभी आपने पढ़ा सा सर, हम लोग का अंदाज है तो मान लीजिए 1.5 इंची का है, चाहिए 12 का है, चाहिए 16 का है, चाहिए 19, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इंच वाला भी छोड़ दीजिए, सीलिंग में खाली बात किया, वायर ऑफ सीलिंग में बात किया, सीलिंग को कितने टाइप टाइप से हम लोग पहचान सकते हैं, सीलिंग जैसे उसमें वेब सीलिंग आ सकता है, चैन सीलिंग भी आ सकता है, वायर ऑफ सीलिंग भी आ सकता है, ठीक है। हम लोग बहुत सारा सीलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 2 सीलिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वेब सीलिंग, वायर रोप सीलिंग, चैन सीलिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन वायर रोप और वेब सीलिंग को हम लोग किस तरीके से पहचानेंगे, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका बात करें, कैसे पहचानेंगे कि ये कितना टन का है, उसको पहचानने का 3 तरीका होता है। जो पहला कलर से हम लोग पहचानते हैं, हर सीलिंग के अंदर वेब सीलिंग जो होता है ना, वायर रोप छोड़ दी गई, जो वेब सीलिंग होता है ना उसमें कलर होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, उससे कैपेसिटी का अनुमान लगता है, ये इतना कैपेसिटी ग्रे होगा, ये इतना कैपेसिटी ऑरेंज होगा, इतना कैपेसिटी ये होगा, उसमें आपको वो कैपेसिटी मालूम पड़ जाएगा। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, सीलिंग के अंदर लाइन होता है, लाइन देखा कोई, यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीलिंग के अंदर वेब सीलिंग जब भी उठाओगे उसमें जितना लाइन रहेगा उतना कैपेसिटी, सही बात, लाइन जितना रहेगा उतना कैपेसिटी है। उसके बाद तीसरा, उसके टैग से मालूम करें, सीलिंग में टैग होता है, होता है ना टैग, कभी देखा आपने, देखा बोलिए, उसमें टैग होता है और टैग से हमको मालूम पड़ेगा। उसके बाद चौथा, अब हम लोग वायर रोप सीलिंग में आते हैं, वायर रोप सीलिंग को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे वायर ऑफ सीलिंग है आपके पास, कैसे पहचानेंगे कि कितना टन है इसका, जैसा आपने बताया, सभी ने बताया, उसी से हम लोग पहचानेंगे, हाफ इंची कितना है, हम लोग कभी भी गुने गुने कर दिया, गुने वाला हिसाब मालूम है ना, मालूम है, कैलकुलेटर निकालो, गुने गुने कर दो, लास्ट में फार्मूला एक लगा है, मालूम है, वो कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये वाला फार्मूला सब लिखिए, कभी भी हम लोगों को वायर रोप का क्या लेना है, डाया लेना है, थंबरूल क्या लेना है, डाया हमको मालूम पड़ेगा। अभी हमारे पास 1 इंच का है, तो 1 इंच लिख दिए, गुने 1 गुने ये
ये फार्मूला हो गया, ये एक इंच का फार्मूला हो गया। अगर हम इसको एमएम में लेगा तो 25 एमएम गुणे 25, ये एमएम हो गया। अगर आपको कोई बोलता है वो सीलिंग एमएम में बता रहा है तो एमएम में ऐसा निकालने का, इंच में ऐसा निकालने का, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, कैपेसिटी का अनुमान लगता है। लेकिन जो कैपेसिटी इसमें आएगा वो क्या होगा, वो रियल कैपेसिटी क्या होता है, डब्ल्यू एल एल में आ जाता है। आपको उसको इस डब्ल्यू एल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 आया तो 5 उठाना है ना, क्या उठाना है, डब्ल्यू एल एल का मतलब क्या हो गया, वर्किंग लोड लिमिट। एस डब्ल्यू एल का मतलब सेफ वर्किंग लोड। तो ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, डब्ल्यू एल अच्छा है, एस डब्ल्यू एल अच्छा है, क्योंकि वो आपको सेफ प्रदान कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, सेफ दे रहा है। तो डब्ल्यू एल एल क्या होता है, एक लास्ट स्टेज है ना, एक लास्ट स्टेज, उसमें आप अगर गलती किए तो चांस नहीं मिलेगा, वापस टूट जाएगा। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए देख लीजिए, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो सर, ठीक है, अपने हाथ में लिख लो, कॉपी में लिख लो, याद कर लो, या फोटो खींचो, फोटो भी खींचो। ये कैपेसिटी आपको निकालने में क्या होगा, मदद होगा है ना, मालूम पड़ेगा, ताकि आप हादसा से बच सकते हैं। ये बताने का क्यों मतलब है, आपको तो कोई फोरमैन भी बताएगा, लेकिन कुछ फॉर्मिंग में आपको गड़बड़ हो जाता है, होता है ना, तो आपका भी जिम्मेदारी है, क्या है, जिम्मेदारी है ना हमारा, कि हमको किस तरीके से क्या करना है, काम करना है, किस तरीके से सीलिंग कैपेसिटी जानना है हमको, ठीक है, करेंगे सर। ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अभी मैं क्या बता रहा था, ये जो पहला स्टेप बताया था ना, सीलिंग को इंस्पेक्शन करना, उसी में हम लोग रुक गए। इसके बाद क्या करेंगे, सीलिंग आपके पास आ गया, लोड के हिसाब से आप सीलिंग लेके आ गया, उसके बाद क्या करोगे, रिसाइकिल का यूज करना है, वहाँ पर अगर है वहाँ पर जरूरत तो हमको रिसाइकिल का, मोटर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना, पैकिंग भी लगाएंगे, और उसके बाद रस्सा बांधेंगे, और उसके बाद सेंटर आप ग्रेविटी देखेंगे, ग्रेविटी देखेंगे ना मटेरियल का, कोई भी लोड उठा रहे क्या देखेंगे, ग्रेविटी बराबर है कि नहीं, अगर टेढ़ा पेपर नहीं होना चाहिए, है ना, पेपर वाला मटेरियल कभी भी नहीं उठाना है। और उठाने से पहले कहाँ जाएगा उसका पता करना है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। काफ़ी टाइम में आपके साथ भी हुआ होगा, मटेरियल उठ गया उसके बाद पूछते ये कहाँ जाएगा, तो उसमें भगदड़ हो जाता है, उसमें हादसा होने का ज़्यादा चांस होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण हो जाता है सस्पेंडेड लोड आ जाता है, उसके ऊपर फिर मटेरियल गिर जाता है, समझे, सेफ्टी इसको कहते हैं ना। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ, आप लोग बोलेंगे कि मैं तो सेफ्टी पढ़ा नहीं, पढ़े कोई, तो आपको एक तरीका मैं बताता हूँ। जब भी कोई सामान पे जाते हैं, कुछ भी लिफ्टिंग में जाते हैं, उसको गलत सोचना है उसके बारे में, उसके बारे में क्या करना, गलत सोचना, गलत क्या सोचना, ये अच्छा है खराब को चेक करना, हाँ ये चीज, मतलब उसके अंदर कमी ढूंढने का कोशिश करना। गलत का मतलब ये, हम लोग सीलिंग लाया उस पर हमेशा शक होना, शक होना, ये सीलिंग डैमेज तो नहीं है, वापस चेक कर, फिर मटेरियल बराबर है कि नहीं उसको वापस चेक कर, फिर मतलब एनी टाइम हमारे माइंड में क्या है, शक होते रहना, चेक करते रहना आपने। जब चेक करेंगे तो क्या होगा, हमको पॉइंट मिलेगा ना, जानने की जानकारी रहेगी तो क्या होगा, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट में क्या हो जाएगा, हमको जो जान बचने वाला था, जो हादसा होने वाला था, वो चल सकता है ना। तो इसके लिए कभी भी हम लोग लिफ्टिंग करने से पहले एक अच्छा काम करने का कोशिश करना है ना।
अभी आजकल क्या है साइड पर लीडर का काम देखकर हंसता है लोग, क्योंकि हम लोग काम वैसा नहीं कर रहे। अभी आपसे मैं पूछा कि लीडर का क्या काम है, आपने क्या है दूसरे का काम का आपने बोल दिया, हमको बेल्ट पहनना है, सेफ्टी पहनना है, हेलमेट पहनना है, हमारे माइंड में ऐसा है, लीडर का काम हमारे माइंड में नहीं है। आपने कभी सोचा, अभी एक आदमी मोबाइल लेता है, मोबाइल क्या लेता है, मोबाइल नया लेता है, उसके अंदर मोबाइल के साथ क्या आता है, बुक आता है ना, किताब आता है, बुक आता है, वो बुक में क्या रहता है, डिटेल्स होता है, उसकी जानकारी होती है ना। अभी आप सोचोगे कि मैं स्विच ऑफ बटन वाले में मैं वॉल्यूम कर लूँ तो नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है नहीं हो सकता है ना। तो वैसी अभी आप, मैंने स्विच ऑफ बटन की जगह पर वॉल्यूम बटन हिट कर दिया, चलेगा नहीं चलेगा ना, तो ऐसा रीडर नहीं चलेगा। सेम यही एग्जाम्पल है, मतलब क्या है, काम जो हम लोग कर रहे हैं ना परफेक्ट जबान पे होना चाहिए, जब जबान पे होगा मुंह पे होगा तो वो काम हम लोग परफेक्ट कर सकते हैं। भले से हमको काम उतना नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं तरीका से करेगा तो क्या होगा, मैं भी सुरक्षित रह सकता हूँ, दूसरा आदमी को भी कर सकता हूँ, इक्विपमेंट सेव कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी डैमेज होने से बच सकता हूँ, मेरा हाथ पैर टूटने से बच सकता हूँ, बहुत सारा चीज़ बच सकता है। एक किरण गिरने पे क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या नुकसान होता है किरण गिरने पे, कभी कोई किरण देखा गिरते हुए वीडियो में, कोई देखा है जामनगर में ही देखे, आप देखा है वीडियो में देखा है, आपका भी कितना उम्र है 25, अभी आप कहाँ कहाँ काम किया है, देखो अभी आप क्या पूछने का ये मतलब है, अभी हम लोग क्या है पहला फर्स्ट स्टेप में आए थे, एक साल होता होगा, दो साल होता होगा, अभी वो भाई एक्सीडेंट देख गया, एक्सीडेंट से क्या होता है सबक मिलता है। अभी आप रोड पर कोई बाइक एक्सीडेंट को देखा तो वो आदमी गिर गया तो आपको मालूम पड़ गया वो आदमी कट मारा या ओवर स्पीड में गया, तो आदमी क्या करता है, डरता है ना, डरता है ना, दिमाग में आ जाता है। इसके लिए कहने का मतलब ये है, आपका दो साल हुआ, एक साल हुआ, कोई भी एक्सीडेंट को देखो या किसी के पास बैठकर, ऐसा आदमी के पास बैठकर सुनो, सुनने से क्या होता है हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, तब्दील होता है ना, बदलता है, बदलेगा तो क्या होगा, हम लोग सेफ काम करते हैं। इसके लिए साइड पर भी कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है ना, उसको जानने का कोशिश करो, क्या करना है, जानने का कोशिश करना है, ना कि चमचा घी, उसको जानने के कोशिश करो, उस कोशिश को अपने फायदे में ला, क्या लाना है, फायदे में ला, वो फायदा मतलब ये होता है, ये एक्सीडेंट हो गया उसमें आपको क्या जानना है, ये हुआ क्यों, क्या कारण से, ये क्या कारण से हुआ, ये आपको फायदा दे सकता है, ये नहीं कि वो गलती किया था वैसा गिर गया वैसा उसका नाम फंसाने के चक्कर में, वैसा काम नहीं, हमारा जो मकसद है वो हुआ क्यों था, कारण क्या था, वो कैसा गलती किया, वैसा गलती हमको सही करना है ना। तो कहने का मतलब ये है, अभी हम लोग जो काम पर है ना, लीगल का काम सबसे डेंजर होता है, है ना, गधा नहीं, वो हम लोग बना लिया है। तो लीगल का काम क्या होता है, सबसे डेंजर हाई रिस्क होता है, लेकिन मेरा कहना है, मेरा सोच है, लीगल का काम सबसे ईजी, दुनिया का सबसे ज़्यादा इजी जो लीडर का काम, लेकिन उसको इजी बनाने के लिए क्या है, नॉलेज, जो नॉलेज से ज़्यादा तरीका, अभी मैं सिविल इंडिया जैसे अभी मैं तरीका बताया, हमको ये सब चीज़ करना है, ये तरीका नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा, वो आपके लिए वो जॉब बहुत डेंजर साबित हो सकता है, हो सकता है, आपने कभी फर्स्ट टाइम कोई लीडर बना होगा सिग्नल के लिए दिया है किसी को, तो आदमी क्या हो जाता है, डर जाता है पहली बार,
सिग्नल देने के टाइम में पसीना आ जाता है। पैसे देंगे वो स्विमिंग करना है, वायर अप करना है, क्या करना है, वो डर जाता है फर्स्ट टाइम में, डरता है ना। तो ये जो डर है ना, रीगर में डर नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटीरियल को नहीं होना चाहिए, आपको उसको प्रॉपर जानकारी देना चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है उसका प्रॉपर जानकारी, सही बात है ना। हमको यहाँ तो काम करना है लेकिन प्रॉपर उसका जानकारी होना चाहिए। जो कंपनी हमको इसके लिए बुलाया है ना, ताकि हम लोग काम करें। लेकिन कंपनी साथ साथ में ये भी बोलता है आप सेफ्टी भी अपना रखो, है ना। अभी सबसे बड़ा जो इंसिडेंट होता है ना इस दुनिया में रिगिंग डिपार्टमेंट में, सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, पहला तो शॉर्टकट, ये माइंड में रख लो। लाइफ में देखा गया है जो रिगर के साथ इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहला शॉर्टकट, सीलिंग का शॉर्टकट, मटेरियल का शॉर्टकट, या आप कोई एरिया से ऐसा जा रहे हो, सिविल लाइन में क्या होता है पलाई लगा दिया कहीं ऊपर में, आपको सीढ़ी से जाना है वो पलाई से चला गया नीचे गिर गया, या कहीं लटक गया वो गिर गया नीचे। शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी काम करो, चाहे कौन सा भी ट्रेड में काम करो, शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा जुगाड़, सही जैसा मैंने आपको बताया, जुगाड़ हमारे हाथ का कोई भी बनाया हुआ चीज़ सक्सेस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना एजुकेशन नहीं है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास उतना क्या उसका ट्रेनिंग नहीं दिया गया है ना, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, है ना, खतरा आ सकता है अपने को। तो कभी भी जुगाड़, शॉर्टकट, और तीसरा मिस कम्युनिकेशन मतलब समझे क्या हो गया, बातचीत में भूल चुक, हिंदी में बातचीत में भूल चुक, भूल जाते वो चीज़ नहीं है, काम का एक अलग भूल चुक होता है। भूल चुक मतलब हमने ये मटेरियल उठाया, ये कहाँ जाना है हमने कभी बात ही नहीं किया, खाली वो आके बोला प्रेशर में, हमें प्रेशर में रह के उस मटेरियल को उठाया, उठने के बाद मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन, बातचीत में भूल चुक हो गया ना। दूसरा उसका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होना, प्रॉपर प्लानिंग मतलब आपके पास सिग्नल मैन एक होना चाहिए, एक क्रेन पे एक सिग्नल मैन होना चाहिए, दूसरा उस सिग्नल मैन को प्रॉपर सिग्नल देना चाहिए, सिग्नल अगर वो नहीं देता बराबर तो क्या होगा, हादसे का शिकार हो सकता है सब। प्रॉपर बैरिकेशन होना चाहिए उस एरिया में, ऑपरेट से कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ऑपरेटर रीडर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो आपको आपके साथ वो हादसा कर सकता है या आप उसके साथ कर सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन, इसके लिए बोल रहा हूँ एक अच्छा बातचीत, जब तक हमारे साथ अच्छा बातचीत नहीं है, ऑपरेटर और लीडर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को इस पर ध्यान देना है। और उसके बाद बैरिकेशन का बात सबसे ज़्यादा, बैरिकेशन हम लोग क्यों लगाते हैं सर, लगा उस एरिया है उसमें, हाँ ये आदमी है ना, इस पर ना कट लगा दो, इस पर रीगर फॉरमैन कोई है क्या, नहीं क्या सर, सर पहने क्या, रीगर फॉरमैन कोई नहीं है, पांडरा लाइन बोलते ना, हाँ साइन करो। बैरिकेशन के ऊपर मैं आया, वेरिकेशन हम लोग क्यों कर लगाते हैं, टाइम कितनी है, टाइम सर कितनी बजे दे रहे हो, टाइम छोड़ वेरिकेशन लगाते हैं, सात साल डाल दे दो ना, एक घंटा सात साल डाल दे दो, इसीलिए उसमें अंदर कोई नहीं जाता है, अंदर सरकार मालूम नहीं, आप रोक लेते हैं सर, बहुत अच्छा।
आपने जितना चीज बोला ये बैरिकेशन के बारे में बहुत अच्छा बात बोला, लेकिन आपका भी जान प्यारा है ना, है? हमने बैरिकेशन लगाया किस लिए? दूसरा को सुरक्षा देने के लिए, है ना? बैरिकेशन के अंदर हम लोग है, है ना? हम लोग तो हमारा क्या सुरक्षा है? कैसे ध्यान दो? क्यों निकलेंगे? काम तो रहता है हमारा, रहना तो बैरिकेशन में, तो बैरिकेशन रहने का कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है। क्या है रूल्स और रेगुलेशन? जब आप सीलिंग प्रॉपर चेक करोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, बैरिकेशन में। उसके बाद उस सीलिंग को लोड के बराबर, लोड कितना कैपेसिटी है उसका मालूम करना और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमको सीलिंग लगाना, ठीक है? जैसे उसमें भी क्या होता है, तीन बांध हम लोग बांधते हैं ना, वर्टिकल, चौकर, बास्केट, तो वो अलग अलग डिफरेंट, वो अलग अलग डिफरेंट से अलग अलग कैपेसिटी उठाता है, उठाता है। एक सीलिंग एक टन का है, कितने कितने कैपेसिटी उठा सकती है एक टन के सीलिंग में? कितना कितना कैपेसिटी उठा सकती है? ऊपर उठाने के लिए साथ तीन टन है, वो उठा के रखने के लिए साथ, हाँ, ऊपर अगर मान के जाएगा तो साथ तीन टन नहीं, एक इंच छोड़ दो, एक टन का सीलिंग है, एक टन का सीलिंग में कितने कितना कैपेसिटी उठा सकते हैं? और इसमें माल उठा सकते हैं हम 500 500 के जी क्यों? एक टन का था पिछले काम में था, मैं उसमें दो टन भी उठा सकता हूँ, कैसे उठाऊंगा? वो हाथ में वर्टिकल में, वर्टिकल में तो वो एक टन उठाएगा, मैं दो टन उठाऊंगा, कैसे उठेगा वो? कैसे उठ सकता है? मैं एक ही में सीलिंग से दो टन सर उसमें हाथ लगा कर रीगर में, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है सीलिंग का, सीलिंग का ही सर्कस होता है, सीलिंग का ही गाड़ी होता है ना, अलग अलग बांध अलग अलग कैपेसिटी से काम करता है, अलग अलग परफॉर्मेंस करता है, ये मालूम है आपको? मालूम है? तो सीलिंग को हम लोग कितना बांध से किस तरीके से उठाते हैं, कितना बांध लगाते हैं हम? आप क्या बोल रहे थे? वर्टिकल, ये है वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल, ये कौन सा बांध हो गया? ये कौन सा बांध हो गया? ये तीन बांध से उठाते ना हम लोग, ऐसे ऐसा बांध उठाते ना हम लोग, हम लोग उठाते हैं ऐसा बांध, जो हम लोग गार्ड मारते हैं ना सीलिंग का, ऐसा बांधते हैं ना, तीन टाइप से बांधते हैं, इसमें और भी बहुत सारा है, लेकिन रियल में तीन है। ये क्या हो गया, एक सीलिंग को हम लोग तीन तरीके से यूज करते हैं, ये एक टन उठाएगा, ये दो टन उठाएगा, आइए ये 800 kg, ये दो टन, ये एक टन, ऐसा क्यों उठाता है? इसमें सब डबल हो गया, इसको डबल बोलेगा तो एक दो सीलिंग और लगाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल हो गया, ये बास्केट हो गया, बास्केट, ये बास्केट बांध हो गया, ये वर्टिकल बांध हो गया, ये हो गया चौकर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंदल बोलते हैं ना, ये चीज में ये जो बांध बांधते हो ना, इसमें कभी भी ध्यान देना, कहने का मतलब यही है, इसमें एक टन का सीलिंग, ये देखो वर्टिकल में एक टन है ना, दूसरा ये दो टन आ गया बास्केट हिंच में, ऐसा जब भी यू बन गया ना सीलिंग का,
आप देखा होगा बड़ा बड़ा हैवी लिफ्टिंग में सीलिंग कैपेसिटी का शॉर्टेज हो जाता है ना, तो सीलिंग को क्या करते हैं ऐसा यू बनाकर इधर एक सीलिंग ऐसा लगा देते हैं, कोई बड़ा मटेरियल ऐसा लिफ्ट करता है। ये सीलिंग का जो है ना, अगर ये 5 टन है तो ये 10 टन हो जाता है, डबल हो गया। तो ये तो डबल हो गया, लेकिन ये बास्केट हो गया। इसको क्या बोलेंगे, सीलिंग को क्या करती है डबल कर दी ना उसमें, लेकिन ये बास्केट हो गया। ये भी एक बास्केट का आकार है, लेकिन इसमें क्या होता है ये एंगल बन गया, ये जो है ना ये एंगल बन गया। इसका कैपेसिटी क्या होगा, एंगल के हिसाब से कैपेसिटी कम होगा, ठीक है। ये आपको इतना सा जानकारी होना चाहिए, ये थोड़ा सा जानकारी है, लेकिन ये चीज़ में आपको अंदाज होना चाहिए कि मेरा कैपेसिटी किधर कम हो रहा है किधर बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी और मैं बताऊँ तो आपके सर के ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत सारा